again. आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। कोडरमा में स्कूल बस हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आने से बुरी तरह झुलसी महिला, दर्जनों बच्चे बाल बाल बचे। कोडरमा तिलैया डैम ओपी अंतर्गत हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आने से पिपराडी की संगीता देवी बुरी तरह झुलस गई हैं। वहीं दर्जन भर स्कूली बच्चे बाल बाल बचे। हालांकि बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से दर्जनों स्कूली बच्चों की जान जाते जाते बची है। 11,000 हाई वोल्टेज नंगा तार जो महज 10 फीट की ऊंचाई पर कई महीनों से झूल रहा था, जबकि पास में ही पंचायत भवन व सरकारी स्कूल है जहां सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं, बावजूद विभाग को कई बार सूचित किया गया परंतु इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण आज सुबह उक्त महिला अपने बच्चों को स्कूल बस में जो बैठाने पहुंची, बस के संपर्क में आते ही करंट की चपेट में आ गई। हुआ यूं कि सड़क पर खड़ी स्कूल बस जो पहले से बिजली के तार से सटी हुई थी, महिला ने जैसे ही बस में सटी वह चपेट में आ गई। घायल महिला को आनन फानन में ग्रामीणों ने सदर अस्पताल ले जाया गया, वहीं प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया गया है। कोडरमा से अनिल पांडे की रिपोर्ट। 11,000 का तार लटक रहा था पहले से, एक स्कूल बस आया उसी में करंट लगने से एक महिला चपेट में आ गई थी, जिसको हम लोगों ने अस्पताल भेज दिया है। एम्बुलेंस का भी व्यवस्था करा के उसको हम लोग सदर अस्पताल भेजने का काम किया। स्कूल बस में बहुत सारे बच्चे बैठे होंगे, क्या बच्चे लोग कैसे हैं? बच्चे लोगों को कुछ नुकसान नहीं हुआ है, महिला को थोड़ा सा झटका लगा है, नुकसान महिला को हुआ है, लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही के कारण ऐसा हुआ है। हम यहाँ के जनप्रतिनिधि होने के नाते बिजली विभाग को 6 महीना से लगातार संपर्क में है, लगातार सूचना दे रहे हैं, लेकिन बिजली विभाग के लोग इस पर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। बिजली विभाग सिर्फ लूटने का काम करते, जहां उसको बेनिफिट होता है वहां पर जाकर काम करते, जहां चोरी करवाना है बिजली का, बिजली विभाग के अधिकारी बिजली विभाग के लोग चोरी करवाने में माहिर हैं, जहां चोरी हो रहा है बिजली वहां अपना कमीशन और घूस लेने का काम करता है। लेकिन 11,000 तार इतना रोड पर लटका हुआ है 6 महीना से, मेरे पास प्रमाण है इसका, 6 महीना से आगाह कर रहे थे बिजली विभाग को, इसके बाद भी अगर आज अगर बस में करंट लगता तो बस में बैठे कम से कम 15 बच्चों को नुकसान होता, 15 बच्चे मौत के गाल में समाये जाते, इसका जिम्मेवार कौन होता? हम यहाँ के जनप्रतिनिधि होने के नाते मांग करते हैं और हमारे विधायक जी के नॉलेज में चला गया है, विधायक जी आएंगे और ऐसे जनप्रतिनिधियों ऐसे जो अधिकारी हैं इसके ऊपर कार्रवाई करवाने के बात करेंगे। हम चाहेंगे विधायक जी से कैसे जो अधिकारी लोग जो बिजली विभाग के लोग हैं इनको यहाँ जल्द से जल्द ट्रांसफर कराया जाए, क्योंकि ऐसे लोग लापरवाह हैं, किसी की भी जान ले सकते हैं। हमने अखबार में भी छापा है, क्योंकि अखबार से भी जुड़े हुए हैं, अखबार में भी मैंने दिया, इसके बाद भी लगातार मेरे पास रिकॉर्डिंग जो अधिकारी लोग से मैंने बात किया है रिकॉर्डिंग, लेकिन अभी तक ध्यान नहीं दिया इसमें।